हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपना न्यू ट्रैवल ब्लॉग लेकर। होप आपने मेरे पहले के जो ट्रैवल ब्लॉग्स है वो देखे होंगे। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक वाटरफॉल है, इसका नाम है कलियोर। एक्चुअली यहाँ जो तमिलनाडु का प्रोनाउंसिएशन वो थोड़ा डिफरेंट है, मे बी मैंने डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन किया हो, बट स्पेलिंग इज KLLIYUR। हम वो देखने जा रहे हैं। तो रोड थोड़ी अच्छी नहीं यहाँ पर, और बारिश की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर मड़ी भी हो गया है, और ये टूरिस्ट प्लेस है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रैफिक टाइप जैम भी होता है। तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर थोड़ा गाड़ी को स्लो चलाना पड़ रहा है, कार भी होती है और बाइक्स भी होती हैं। लेट्स सी, हम धीरे धीरे वहाँ पहुँचते हैं और फिर मैं आगे का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। पहुँच चुके हैं, हमने अपनी बाइक जो है वो पार्क कर दी है। यहाँ से हमें थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ेगा, और जो लोग नहीं चल सकते हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ कार भी अवेलेबल होती हैं, डायरेक्टली वहाँ पर आपको पहुँचा देती हैं जहाँ पर फॉल होता है। क्योंकि यहाँ चलने के बाद हमें थोड़ा सा स्टेयर्स भी उतरने होंगे। ये आप देख रहे हो यहाँ पर स्टेयर्स हैं, जो इस तरह से हम लोग मतलब लोग मैनेज कर कर आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं, टाइप से सर टू वे टाइप कनेक्शन है, पर बहुत केयरफुली जाना होता है। तो आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ पर बहुत अच्छा फॉग है, और कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। ये कौन सा प्लांट है ये मुझे नहीं पता, पर उस तो अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। देखिए लोग आ रहे हैं। फाइनली हम लोग जो हैं फाइल के पास पहुँच चुके हैं, और ये देखिए कितना सुंदर है यहाँ पर ये फॉल। कुछ और भी विजिटेड प्लेसेस हैं जहाँ पर हम जल्दी जल्दी जाकर उनको विज़िट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि हमें वापस भी लौटना है, ये हमारा वन डे का ट्रिप है। तो इसी के साथ हमने कुछ प्लेसेस विज़िट किए, और इनमें से प्लेस थी जेंट सीट, लेडी सीट और बोट हाउस, जी मंजिट का एक व्यू पॉइंट्स, ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, और अन्ना पार्क, और कुछ जेनेटिक हेरिटेज गार्डन भी थे। और इसी के बाद साथ हम लोग जो है वापस लौट चुके थे होटल में। हमने सोचा थोड़ा हाफ़ एन आवर रेस्ट कर ले, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से भीग चुके थे, तो हम लोग सोचे कपड़े भी चेंज करना होगा हमें निकलने से पहले। तो अभी हम जा रहे हैं होटल, वहाँ थोड़ा हम रेस्ट करेंगे फिर निकलेंगे। Build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. So इसी के साथ हम लोग अब जो है वापस सेलम जा रहे हैं, और अभी भी हम देख रहे हो कितना यहाँ पर बारिश का ही पूरा फुल माहौल है। तो हमें केयरफुली जाना होगा, क्योंकि हमें समय से हमारी ट्रेन भी है वहाँ पर 6 बजे, तो हमें समय से पहुँचना भी होगा वहाँ पर। इस तरह से ये देख रहे हैं आप किस तरह से लूप रोड है। ये मैंने आपको अपने एक दिन पहले का जो मेरा वीडियो था फर्स्ट डे का, जब हम आए थे तो मैंने आपको रात का सीन दिखाया था, तो आज अभी मैं आपको दिन का सीन दिखा रही हूँ कि किस तरह का था। तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम भी यहाँ पर चल रहा है, और बीच बीच में इस तरह का ट्रैफिक भी मिल रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे जो भी ब्लेंड टेंट्स हैं उनको क्रॉस करते हुए हम वहाँ सीलम जो है वापस जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर नज़ारा बहुत अच्छा है, बीच बीच में कुछ फॉल्स भी हमें मिलेंगे,
आर्टिफिशियली बनाए गए हैं फॉल जो है, ये आप देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, तो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और पानी की जो आवाज़ हो बहुत ही अच्छी लगती है इस माहौल में। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं सीलम पे और अब हम पूरी तरह से भीग चुके, तो हम सभी को वापस से फिर से कपड़े चेंज करने होंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि भले आपका वन डे का ट्रिप हो, पर आप कम से कम स्पेयर में टू अपने स्पेयर क्लॉथ ज़रूर ले जाएं, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको दिक्कत ना आए करके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग माई चैनल, एंड मैं इसी तरह के ट्रैवल ब्लॉग जो है आपके लिए लाते रहूँगी। बाय बाय, सी यू। Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really, real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to feel